अगर यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी थीटा है, देन इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा क्या होगा, वेक्टर आर होगा, वेक्टर आर इक्वल टू होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड फाई इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर ए। इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर आर का फॉर्मूला, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आर का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। सभी बच्चे क्लियर हैं? एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट लिख लीजिए फिर से, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर टेन फाइव, क्या फॉर्मूला बेटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन चल लिखे तो थोड़ा सा जल्दी पढ़वा नहीं सर। बढ़ो आगे सर, दो मिनट। यस, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए और बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, एंगल कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। वेक्टर आर का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला बोलिए, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और कॉस थीटा, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। और उम्मीद करता हूं कॉस 90 का वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, जीरो। कितना आ गया आर का वैल्यू, क्लियर है? यस सर। लिख लीजिए
रब करूं? नहीं सर। एंड डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा इस केस में? क्या है फॉर्मूला? टेन फाइव इक्वल टू बोलिए बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन नाइनटी, थीटा जगह पर नाइनटी हो जाएगा, ए प्लस बी। क्या मैं सही लिखा हूं? आपको पता है साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है? वन। और कॉस नाइनटी का जीरो। क्या आ जाएगा? टेन फाइव इक्वल टू बी इंटू वन बाई ए प्लस बी इंटू जीरो। सही लिखा हूं क्या? क्या आ जाएगा डायरेक्शन? बी वाई और पाई की बात करें तो हो जाएगा टेन इनवर्स हो गया। Yes, केस बी, ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या मैं रफ कर दूं इसको? Yes, sir. Vector A and vector B are parallel to each other. Reply, सभी बच्चे करें। Suppose यह vector A है and यह वेक्टर बी है, सो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर? क्या होगा? यह वेक्टर आर होगा। बताइए एंगल ए और बी के बीच का एंगल क्या है? बताइए थीटा कितना है? जीरो। जीरो। आर का फॉर्मूला क्या आएगा? सही है? यस सर। यस सर। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है बेटा? वन। कितना आ जाएगा? यह किसी का फॉर्मूला होता है क्या? यह किसका फॉर्मूला होता yes, है? किसका? ए प्लस बी स्क्वायर। क्लियर ना? और स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये दोनों क्या हो जाता है? यहां पे कितना है?
मेथड, मेथड पता है ना? नहीं तो नहीं बोल देना यार। ए प्लस बी स्क्वायर रूट को अगर यहां पे टू स्क्वायर है तो भाई क्या आता है? टू क्या आता है? क्या आप लोग निखिल, निनाद, आदित्य, प्रतीक, आप लोग रिप्लाई नहीं करने के लिए कसम खाए हुए हैं क्या? कसम खाए हैं क्या नहीं रिप्लाई करने के लिए? हिमांशु नहीं सर। तो कौन रिप्लाई करेगा? कितना आएगा? ये बात समझ में आया नहीं आया? यस सर। बढ़ू आगे? यस सर। Yes, sir. Direction. Yes, sir. Direction. Direction का फॉर्मूला बताओ निनाद। Direction का फॉर्मूला बताओ निनाद। निनाद? Yes, sir. एक मिनट। क्या है? है होगा? यस साइन जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो जीरो कितना आ जाएगा? टेन कितना का वैल्यू जीरो आता है? टेन कितना का वैल्यू जीरो आता है? जीरो जीरो यस सर। इसका मतलब फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। देखिए इसीलिए आर पे और कोइंसाइड हुआ, ए और बी के ऊपर कोइंसाइड है यार। हो गया? यस सर। ड्रॉप करूं? केसी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर केसी। If vector A and vector B are antiparallel to each other, antiparallel to each other, ऐसे होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। 180
रिजल्टेंट क्या करने लाएगा बोलो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा कॉस 180 कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है माइनस वन कितना आ जाएगा देखिए तो सही है यस सर या किसी का फॉर्मूला होता है क्या ए माइनस बी होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर ये रिजल्टेड निकल गया सर स्क्रीन ब्लर दिख रही स्क्रीन ब्लर दिख रही है स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा मुझे भी दिख रही है नहीं सर आज नहीं दिख रहा सर आज नहीं दिख रहा सर स्क्रीन क्लियर दिक्कत आ रही है सबको यस सर एकदम साफ नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है बताइए क्लियरली सर बीच बीच में ब्लर हो जा रहा है जब ब्लर हो रहा है तो बोल दिया करो ठीक है ना अब दिख रहा है या अभी भी दिक्कत है ब्लर दिख रहा है सर एक काम करिए मेरा वाईफाई कल का थोड़ा खराब हुआ है तो मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर देता हूं और बस यहीं पे स्टॉप कर देता हूं आज का लेक्चर चलेगा ना यस सर ओके सर हां आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देता हूं कल से मैं वाईफाई क्लियर करा लेता हूं कल से मैं कंटिन्यू करूंगा रख करूं इसको बस इसको कंप्लीट कर लूं अच्छा समझ में आया या नहीं ये सारी बातें आ गया सर हाँ सेकंड पॉइंट जो नासिक के बच्चे हैं जैसे खास करके मैं नाम बता दूं आदित्य निनाद निखिल दुर्गेश अगर आ सकते हो तो दर्शन अरशद बस इतने बच्चे ऑफिस पे आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं टोटल कॉपी अप टू डेट होगा और मैथ का प्लस फिजिक्स का प्लस केमिस्ट्री का प्लस बायो का जो भी है टोटल कॉपी चेकिंग होगा इतने बच्चों का एट ऑफिस समझ में आया और डीपीपी भी दिया हुआ वो कंप्लीट होना चाहिए डायरेक्ट सर कितना बजे आएंगे आप आएंगे नियरली 12:30 के बाद डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बेटा एक बात और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं
बेटा अरे जिनका जिनका फीस नहीं आया बेटा अरे फीस दे दो, बहुत दिक्कत आ रही है। जिन जिन बच्चों का फीस नहीं आया है कृपया प्लीज अपने पेरेंट्स से बोलिए फीस देने के लिए, ठीक है ना। बट हम आगे क्या मैं बोला हूँ, डायरेक्शन, डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है बोलिए। sin theta upon a plus b cos theta, ठीक है। sin 180 का वैल्यू क्या होगा, देखो कुछ चीजें याद नहीं रहती तो ऐसे करते हैं। देखो तुमको याद होगा, पता नहीं याद है कि नहीं है, बता दिया जाएगा। साइन 180 को नहीं याद है ऐसे लिख दो 90 प्लस 9। साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा पता है ना, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 180 कितना आ गया बोलो, जीरो जी। और cos 180 आपको अभी बताया कि कितना आएगा, माइनस वन, जीरो हो गया ना। ये टोटल टर्म क्या हो गया, जीरो। ये फॉर्मूला में लिखाया था, चल बढ़े आगे। सर बेटा यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ठीक मैं अभी करता हूँ, लिख लेता हूँ उसके बाद। देख बेटा मान लो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आया, 5 आया। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आया, 2 आया। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बोले आपने, ए माइनस बी, ए बोला ना बेटा, हाँ या ना। yes, yes, तो 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. एंगल कितना बना था, डायरेक्शन कितना आया था, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कितना आया था, 0। फाइव किसके साथ एंगल बनता, आर और वेक्टर ए के साथ बनता है कि नहीं बनता है बोलो ना। ये देखो वेक्टर आर है और इसका वैल्यू आएगा 3। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्टेंट, या आपको ए है या ए है, ए बड़ा है और रिजल्टेंट वेक्टर छोटा है, ए 5 है। समझ में आया ना बेटा, यस सर। लॉक करूं, लॉक करूं, यस सर। बेटा रे देखो साइन 30 डिग्री इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2। समझ में आएगा, साइन 30 डिग्री को भी हम बोलते हैं, याद होगा यह डिग्री होता है और हमने आपको बताया था इसको पाई बाय 6 रेडियन भी बोलते हैं, याद है ना, हमने पाई डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना बताया। तो आपने बोला साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, yes, तो देखो आप साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री, या इसी को आप लिख सकते हो पाई बाय 6 रेडियन।
Similarly, agar sine ya tan 45 will be equal to this matter 1. तो बताइए तो कितना आ जाएगा या इसी को आप क्या लिखेंगे मान लीजिए tan phi का वैल्यू 1/√3 आ जाए तो phi का वैल्यू क्या होगा 5/6 अब बताइए tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है हाँ 30. तो कुछ बच्चे क्या करते हैं वो tan tan cancel 5/30 this is wrong method ये गलत है आंसर सही है लेकिन मेथड गलत है ऐसा गलती से भी नहीं करना इसका मेथड ये होगा tan inverse tan 30 और इनवर्स यह कैंसिल होता है और होता है थीटा इक्वल टू 30 ये रहा मेथड क्लियर दिख रहा है क्या या दिक्कत है क्लियर हो गया यस चलिए आगे बढ़े दिख रहा है ना बोर्ड या दिक्कत है बोर्ड दिख रहा है कि दिक्कत है सर थोड़ा ब्लर है अभी हाँ सर ब्लर है चलो बंद करो आज का सेवा ठीक है ना आओ ऑफिस पे आओ आज का सेवा यही समाप्त करता हूं कल फिर कंटिन्यू करूंगा चलेगा ना यस सर यस सर यस सर बैठो